हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ललित बुक में, जिसमें कि हम लोग कल लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन का पढ़ चुके थे और वो था हेनरी लॉ का बेसिक टॉपिक था। और हेनरी लॉ के बारे में मैंने आपको उसका लिमिटेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट ये पढ़ा दिया था। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कल बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स मैसेज भी किया, बट रिक्वेस्ट है कि मैसेज कम है उनको बढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी क्लास लाइव चले तो रिक्वेस्ट है कि मेरी इन बातों को फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको क्लासेस आपको लाइव दूंगा। मैं पूरा उस सेटअप पे काम कर रहा हूँ कि बुक्स आपको एक लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप सामने ही प्रॉब्लम पूछ लीजिए, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाए। कुछ बच्चे परेशान हैं कि बोर्ड में नंबर कैसे हैं, बोर्ड में हम कैसे एनालिसिस करेंगे कि मार्क्स हमारे अच्छे हैं, है ना, क्वेश्चन की एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, अब जैसे कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डियर स्टूडेंट्स, इसी से आप एनालिसिस पकड़ लीजिए कि समर सीजन में जो होता है वो क्या होता है। समर सीजन में जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, बट इन विंटर सीजन दे कैन सर्वाइव मोर कंफर्टेबल देन इन समर सीजन। तो क्वेश्चन इज दैट कि आप वहाँ आंसर क्या लिखेंगे। एक केमिस्ट्री ना पढ़ा हुआ बंदा होगा तो वो वहाँ कुछ भी लिख के चला आएगा, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है इसलिए पानी गर्म रहता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, जस्ट लाइक दैट। बट एक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ बंदा तुरंत वहाँ पे हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा, वहाँ पे लिखेगा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस इन द लिक्विड, सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज द रिलायबल आर रेस्पिरेशन रिलायबल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मच मोर रिक्वायर्ड इन समर सीजन। वाई? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस बिकॉज द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। तो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो वहां पे अगर आप आंसर हेनरी लॉ कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में लिख के आएंगे तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। तो वो एनालिसिस करने का तरीका हुआ। और एक एनालिसिस करने का तरीका क्या हुआ, एक आप क्या लिख के चले आए कि पानी गर्म है पानी ठंडा है, तो एक आंसर ये हो गया। तो हमें आंसर लिखने हैं लेकिन उनके परफेक्ट फैक्ट्स होने चाहिए। अगर फैक्ट्स अच्छे नहीं हैं, टू द पॉइंट नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुट अप करे तो विदाउट एनी आंसर, अगर आप केवल बस ऐसे उल्टा सीधा लिख के चले आओगे तो नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो उसकी एनालिसिस करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। हर क्वेश्चन की थीम होती है, ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर वो क्वेश्चन पूछा गया तो उसके पीछे कोई लॉ होगा, अगर वो लॉ आपने वहां पे कोरिलेट नहीं किया या कोई रूल होगा वो रूल वहां पे कोरिलेट नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स तो एग्जामिनर के हाथ में है लेकिन उसको बाध्य कर दीजिए, उसको प्रेशराइज कर दीजिए, नहीं सर नंबर हमारा एकदम सही है, हमें नंबर नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको उस क्वेश्चन के पीछे की थीम समझनी होगी, व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्वेश्चन क्यों पूछा गया आपसे। अगर पूछा गया है तो उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग, उसके फैक्ट, उसके रूल के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस फंडा इसका क्लियर हो गया होगा। एक मैं अलग से वीडियो से आपको बनाऊंगा एक मोटिवेशनल, जिसमें कि आपको डिटेल बताऊंगा कि बोर्ड में कॉपियां कैसे लिखनी होती हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, डोंट वरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेनरी लॉ। हमें हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना था डियर स्टूडेंट्स, है ना, हमने हेनरी लॉ का लिमिटेशन पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। भाई कोई लॉ पढ़े हैं तो उसका डेली लाइफ में क्या यूज है, अगर आप ये जानेंगे नहीं तो फिर उस लॉ का क्या मतलब है। अप्लाई कब करेंगे, अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन जान लिया जाए। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ देखते हैं। सबसे पहला है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज। कार्बोनेटेड बीवरेज का मतलब क्या है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, बियर यूज करते हैं,
खाते हैं कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर या अदर जितने भी आप ड्रिंक्स यूज करते हैं जिसमें कि आप हाई प्रेशर, ये ध्यान रखिए कार्बन बीवरेजेस का यूज आप हाई प्रेशर पे कौन सी गैस डिसॉल्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करते हैं। जब आप सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, लेकिन कब निकलती है, कल का लिमिटेशन याद होगा, टेम्परेचर जब लो होता है तभी निकलती है, टेम्परेचर हाई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, डिजॉल्व हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम किसमें मिला देते हैं, अब इसमें कार्बोनेटेड ब्रिवेजेस में यूज करते हैं, ठीक है। जब बॉटल ओपन करते हैं तो बॉटल का अंदर का जो प्रेशर होता है वो जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर होता है तो गैस इफर्वेंसेस के फॉर्म में निकलती है। इफर्वेंसेस का मतलब समझते हैं, बुदबुदाहट के साथ, है ना। तो पहला एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का कि विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ वी कैन डिसॉल्व द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट हायर प्रेशर इन द कार्बोनेटेड ब्रिवेजेस जस्ट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बियर, कैंपेन, है ना, बहुत सारे ऐसे, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन इन डीप सी डाइविंग है, इन दूसरा एप्लीकेशन है इन डीप सी डाइविंग दैट इज स्कूबा डाइविंग है ना। डीप सी डाइविंग में इस क्या स्कूबा डाइविंग एपरेटस एक होता है, इसमें हम यूज करते हैं आपका, जब हम आप इसके बारे में जानते होंगे मैं आपको बता भी चुका हूं फिर भी एक बार देख लेते हैं, जब समुद्र के अंदर कोई आता है, सी वाटर के अंदर कोई आता है तो आपको पता है कि पानी के नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ जाता है, जानते हैं पानी के नीचे, याद होगा आपको यहाँ पे पास्कल लगता है, ठीक है। जब पानी के नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो वहां पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आपके पास गिल्स तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कैसे लेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए डियर स्टूडेंट्स हम अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग एपरेटस, क्या बोलते हैं स्कूबा डाइविंग एपरेटस, ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो स्कूबा डाइविंग एपरेटस था उसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, यही दो गैस भेजी जाती थी, अपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन सिलेंडर देना चाहिए था आपको। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आप जो एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, जिस एटमॉस्फेयर में आप सर्वाइव कर रहे हो, उस एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो आप क्या करोगे, आप किसके लिए हैबिचुअल हो, प्योर ऑक्सीजन के लिए आप हैबिचुअल हो क्या, नहीं, आप नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन के लिए हैबिचुअल हो। वो बात दूसरी है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आपकी बॉडी में जा रही है, बट आपका जो लंग्स है वो सिर्फ ऑक्सीजन को ही अपने में डिजॉल्व होने दे रहा है, नाइट्रोजन को नहीं होने दे रहा, बट क्योंकि नॉर्मल प्रेशर है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप वाटर के नीचे जाओगे, होता क्या था कि शुरुआत में जो स्कूबा डाइविंग एपरेटस लेकर के गोताखोर नीचे जाते थे तो वो प्रेशर बढ़ जाता था, प्रेशर बढ़ गया भाई, नॉर्मल प्रेशर पे क्या सिर्फ ऑक्सीजन जाती है, लेकिन जब नीचे गए तो प्रेशर बढ़ता गया, जैसे जैसे नीचे जाते थे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता था, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस भी आपके ब्लड में डिफ्यूज जाती थी, ठीक। अब बताइए नाइट्रोजन में आपको पता है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो आपकी ब्लड सेल्स इसको तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन तो ठीक है यूटिलाइज हो गया हाई प्रेशर पे, ऑक्सीजन जो गया ब्लड के अंदर वो मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज हो गया, बट नाइट्रोजन नीचे गए प्रेशर ज्यादा था तो नाइट्रोजन तो ब्लड में चला गया, लेकिन जब आप ऊपर आते थे मतलब गोताखोर ऊपर आता था तो जैसे जो ऊपर आता था तो भाई ऑक्सीजन तो यूज हो गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नाइट्रोजन आपके ब्लड में गई है प्रेशर कम हो रहा है तो वो निकलना चाहिए, तो डियर स्टूडेंट जब वो बाहर आता था धीरे धीरे प्रेशर लो होता था, जब प्रेशर लो होता था तो नाइट्रोजन जब बाहर आती थी वो निकलने का प्रयास करती थी तो अब नाइट्रोजन गैस तो डिसॉल्व हुई नहीं आपके ब्लड में, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा तो है नहीं आपके ब्लड में, तो क्या हुआ वो जैसे ऊपर पर्सन आया प्रेशर कम हुआ, नाइट्रोजन करता क्या था कि आपकी ब्लड कैपिलरीज में इधर ब्लड बीच में एयर सैक बन जाते थे, और आपको पता है कि अगर आपके ब्लड का फ्लो रुक जाए तो क्या कंडीशन होगी, बहुत तगड़ा पेन होता है ना, उसको बोलते हैं बेंड फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, एक बायोलॉजिकल टर्म है बेंड फॉर्मेशन। तो एक पूछे कि बेंड फॉर्मेशन क्या है, तो क्या बताएंगे कि जो नाइट्रोजन के बबल्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज में एयर सैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे व्हेन द पर्सन कमिंग फ्रॉम द सी वाटर इन आउटर सर्फेस, व्हाई इन एयर सर्फेस में क्या था प्रेशर हाई था,
ऑक्सीजन डिजॉल्व थी नाइट्रोजन, लेकिन जब ऊपर आया तो नाइट्रोजन तो आपकी बॉडी में डिजॉल्व परमानेंटली हुई नहीं है, वो निकलना चाहिए तो वो क्या हो, उसकी वजह से होता क्या था कि जो स्कूबा डाइवर्स थे उनको बहुत तगड़ा दर्द होता था, कभी कभी अगर समय से ट्रीटमेंट नहीं होता तो उनकी डेथ भी हो जाती। तो अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि यार तो किया क्या जाए, ठीक है। तो साइंटिस्ट तो जानते ही हैं भाई मेहनत करते हैं, तो साइंटिस्ट ने मेहनत करना स्टार्ट किया, उन्होंने स्कूबा डाइविंग एपरेटस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ एक नई गैस जोड़ी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम, एक नई गैस जोड़ दी हीलियम। हीलियम को बोलते हैं डाइल्यूएंट, हीलियम एक्ट्स एज ए डाइल्यूएंट। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि आपकी जो ये हीलियम है उसका परसेंटेज क्या होता है, है ना। तो अभी मैं बात करता हूं, लेकिन ये जानिए आपसे कोई पूछे कि स्कूबा डाइविंग एपरेटस में कौन कौन सी गैस होती है, तो तीन गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम। और इन तीनों गैस में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो होती है वो अप्रॉक्स 56.2% होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो अप्रॉक्स 32.1% होती है, और जो हीलियम साहब होते हैं वो 11.7% होती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हीलियम मिलाने से क्या फायदा हो गया, एक तो गैस तो इसे जा रही थी, टू गैस और मिला दिया। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन बोर्ड का क्या है, इन स्कूबा डाइविंग एपरेटस फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन गैस इज यूज्ड, है ना। ये तीन गैस यूज होती है, क्वांटिटी याद रखिएगा, कभी कभी क्वांटिटी नीट में पूछा गया है, 56.2, 32.1, 11.7, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है कि चलिए इससे हमने ये कन्वर्ट किया, ये था तो बैंड फॉर्मेशन होता था, बैंड फॉर्मेशन से क्या होता था, पर्सन की डेथ हो जाती थी। तो अभी ये क्वेश्चन हो जाने से पर्सन की डेथ होने की रेट में कमी है। अब क्वेश्चन होता है कि क्यों कमी आई, तो ये एक चीज जानिए कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम है वो कम होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन से, कहां पे भैया, इन ब्लड। ब्लड में नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी और हीलियम की सॉल्युबिलिटी को जब कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है आपको पता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है, और हीलियम एक इनर्ट गैस है ये तो आप जानते ही हैं। तो हीलियम साहब करते क्या थे, हीलियम साहब ब्लड में गए, नाइट्रोजन भी गए, लेकिन हीलियम नाइट्रोजन को डिजोल्व ही नहीं, ब्लड में डिफ्यूज ही नहीं होने देता था, इसीलिए इसको डाइल्यूएंट कहते हैं। हीलियम डजंट अलाउ द नाइट्रोजन टू डिफ्यूज इन द ब्लड इवन एट हाइयर प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे भी इसको डिफ्यूज नहीं हो जाता, अगर डिफ्यूज हो भी गया है तो उसको डिजॉल्व नहीं होने देता हाई प्रेशर पे, ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन को डिक्रीज करने के लिए हमने किसका यूज कर लिया, हीलियम एक इनर्ट गैस का यूज कर लिया। तो इनर्ट गैस का यूज करने से फायदा ये हुआ कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होने लगी। तो बस सिंपल सी बात है, आपकी जो क्राइटेरिया थी, जो कंडीशन थी, वो कंडीशन समाप्त हो गई, बैंड फॉर्मेशन, है ना, ब्लॉक करने की जो कंडीशन थी वो कंडीशन क्या हो गई, अब एग्जैक्टली खत्म हो गई। तो इसलिए आपने क्या देखा कि हीलियम आसानी से ब्लड में डिफ्यूज, हीलियम के पार्टिकल छोटे भी होते हैं तो आसानी से ब्लड पार्टिकल में घुस भी गए, बाहर भी आ गए, घुस भी गए, बाहर भी आ गए, तो ब्लड प्रेशर कम भी हुआ तो भी बाहर निकल आते हैं कोई नहीं, लेकिन नाइट्रोजन के पार्टिकल्स तो बड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्लियर हो गया कि हीलियम यूज करने का फायदा ये हुआ साहब, इसने नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी को ब्लड में हाइयर प्रेशर पे भी लो कर दिया, और क्योंकि भैया ये छोटा सा बच्चा है तो ब्लड में आसानी से इधर उधर जा सकता है, रास्ता आसानी से मिल जाएगा, पैसे आसानी से मिल जाएगा, तो हीलियम उतना इफेक्टिव नहीं हुआ आपके ब्लड के लिए, वो बैंड फॉर्मेशन या इस तरह की कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाया। तो कुल मिलाकर के आपको फायदा हुआ। तो स्कूबा डाइविंग एपरेटस में हाई प्रेशर पे कौन कौन सी गैस यूज करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम। पहले सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन यूज होती थी, नाइट्रोजन आपके ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद क्या करती थी, जब आप पर्सन ऊपर आता था तो प्रेशर लो होता था, प्रेशर लो होने पर क्या होता था, नीचे जाने पर प्रेशर हाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डिजॉल्व, बस ऊपर आने पर नाइट्रोजन निकलना चाहती थी, प्रेशर हाई लो था वो तो निकलेगी, निकलने जाती थी, पार्टिकल की साइज बड़ी है वो निकल नहीं पाती थी, तो ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैप हो गई थी, उसको ब्लॉकिंग कहते हैं, ब्लॉक कर देती थी, ब्लड ब्लॉक हो जाता था, तो उसको बोलते थे बैंड फॉर्मेशन कंडीशन, क्लियर। तो बैंड फॉर्मेशन क्या होता है, क्लियर है, इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, इसमें एक हीलियम मिलाया गया जो कि डाइल्यूएंट का काम करता है, डाइल्यूएंट तीनों गैस का परसेंटेज याद रखिएगा, डाइल्यूएंट पूछा जाता है सेपरेटली बोर्ड में अलग से। अब मान लीजिए स्कूबा डाइविंग एपरेटस के बारे में पूछा गया,
तो नंबर कौन पाएगा? नंबर वो पाएगा जो जो गैसेस के बारे में बताएगा, सिर्फ ही बताएगा कि स्कूबा डाइविंग में फ्रेटस जो है नीला को फॉलो करता है, इतना बताने से नंबर थोड़ा ना मिलेगा। कंडीशन बताएगा, ये बताएगा कि हीलियम डाइल्यूट का काम करता है। तो मार्क्स पाने के लिए हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि और लोगों से हटकर हम क्या लिखें। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी इन चीज़ों को नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हो, अरे तो अच्छा ऐसा भी है क्या सर, तो ये भी बताया सर, तो इसको ऐसे भाई देखिए, किसी चीज़ को देखने का तरीका होता है, नजरिया होता है। हम जिस चीज़ को जितनी तरीके से देखेंगे, जैसे एक बंदा यहाँ पे है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, मैं इसको इधर से भी देखूँ, इधर से भी देखूँ, इधर, जब क्वेश्चन को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ईजी लगने लगेगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लगेगा अरे यार तो घोटा हो रहा है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन, स्कूबा डाइविंग एपरेटस में गैस का यूज करना है। अगला, एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है ना, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है। तीसरा एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड, कभी आप पहाड़ पे गए हैं, क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होती है कि नहीं होती, जब बताइए, जब आप पहाड़ पे जाते हैं तो सांस लेने में आपको दिक्कत हुई या नहीं हुई, बस इतना मुझे बता दीजिए। बस अगर आपको दिक्कत हुई तो आप इस कंडीशन को समझ जाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। बताइए, आप देखेंगे जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो भाई आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। हाइयर एल्टीट्यूड पे जाने पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के कंपेरिजन में हाइयर एल्टीट्यूड पे जाने पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाने की वजह से प्रेशर कम हुआ, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो इतनी थी वो अब उतनी ही ऑक्सीजन इतनी दूरी में होगी, तो पर सेंटीमीटर क्यों आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जरा बताइए। आपको ब्लड में ऑक्सीजन ना मिले, चलिए कमरे बंद कर देता हूँ, क्या आपको हेडेक हो जाएगा, है ना, आप सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, हेडेक हो जाएगा, या फिर क्या होगा, लो ब्लड ऑक्सीजन हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, अनएबल टू थिंक, आप थिंकिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो होता क्या था कि जो क्लाइंबर्स थे, है ना, क्लाइंबर्स अगर एक सिलेंडर ले जाते, क्लाइंबर्स जो थे वो क्या करते हैं, वो क्लाइंबर्स जो है वो जब हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ाई करते हैं तो अपने सिलेंडर ले जाते, नहीं पहले क्या था, नहीं ले जाते, उससे क्या होता था, जो हाई प्रेशर पे पड़ हाई एल्टीट्यूड पहुंचे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर सेंटीमीटर क्यूब कम मिलने लगा, तो क्या हुआ, पर्सन को लो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन प्रोड्यूस हो रही थी। कौन सी? लो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन, याद रखिएगा, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, लो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन। लो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन की वजह से क्या हुआ, ये सुन जरा बताइए मुझे आप, लो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन की वजह से पर्सन सफर करने लगा, और जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, आपको सबसे पहले ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपकी मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी, मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी तो आपकी जो आपको हेडेक हो जाएगा, है ना, पर्सन बेटर वे में थिंक नहीं कर पाता, तो होता क्या, गलती वही होती है, इस जगह पे हाथ रखने की बजाय उधर हाथ रख देता है, और जब हाथ इधर उधर रखेगा तो पहाड़ से नीचे, समझ में आता ही कि नहीं है, मतलब कहने का क्या हो गया, इस कंडीशन को, लो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन को साइंस में एक नाम दिया गया जिसको कहते हैं एनोक्सिया डिजीज। कौन सी डिजीज कहते हैं? एनोक्सिया, ANOXIA, एनोक्सिया डिजीज। तो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट इज एनोक्सिया, एनोक्सिया क्या है, तो सीधे लो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन, नो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू विच पर्सन सफर वीकनेस आर मोर कंफ्यूजन थिंकिंग प्रॉपर्टी गेट्स डिक्रीजेस, ये सारी कंडीशन अगर एराइज हो रही है तो कहा जाएगा कि वो कौन सी कंडीशन है, एनोक्सिया है। तो एनोक्सिया कंडीशन क्या होती है, लो ब्लड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कंडीशन होती है जिसमें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स, कम हो जाता है ना। तो क्लाइंबर्स की जो थिंकिंग प्रॉपर्टी होती है वो डाउन हो जाएगी। तो एनोक्सिया क्या होता है बता लेंगे, कोई प्रॉब्लम? देखिए भाई, मैं बहुत स्पीडली नहीं पढ़ा रहा, उसके पीछे रीजन है कि अभी CBSE ने सिलेबस डिसाइड नहीं किया। अब ऐसा ना हो कि मैं जो चैप्टर पढ़ा दिया वो नया है, मैं ये थोड़ा सा इसलिए, जिस दिन सिलेबस डिसाइड होकर के मेरे सामने आ जाएगा मैं चैप्टर को दोहरा दूंगा, दो दो घंटे के, एक एक घंटे के वीडियो दूंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हमको
जो भी टॉपिक पढ़ना है मैं आपको बता दिया, 3 लेवल पढ़ना है, एनसीईआरटी इंटेक एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस 10 इयर्स और, ठीक है। तो आइए एनाउंसिया देखिए, 2 पॉलीगोनल टर्म मिले, एक एनाउंसिया मिला, एक बेंड फॉर्मेशन मिला। बेंड फॉर्मेशन कहाँ पे? स्कूबा डाइविंग वाले में, लो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन, एनाउंसिया क्लियर। एनाउंसिया में क्या होता है, पर्सन की थिंकिंग प्रॉपर्टी डाउन हो जाती है ड्यू टू लो ब्लड ऑक्सीजन, क्लियर। तो ये 3 एप्लीकेशन हो गया। चौथा एप्लीकेशन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे कैसे भैया, सारी बीमारी कोरोना की किसकी वजह से? इसी लंग्स की वजह से, फेफड़े की वजह से। अगर ये फेफड़े को ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में मिलती रहे तो भैया कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन कोरोना साहब क्या करते हैं, आपको पता है, जो बायो के स्टूडेंट्स वो जानते हैं, वो लंग्स के एल्वियोलाई में जाकर के मास बनाते हैं, और उस मास बनाने से क्या होता है, आपको ऑक्सीजन सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिल पाती है, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा जाता है, वो भी नहीं हो पाता, तो वेंटिलेटर पर रखा जाता है, वो भी नहीं हो पाता, उसकी डेथ हो जाती है। तो जो चौथा एप्लीकेशन है वो क्या है, द फंक्शनिंग ऑफ लंग, है ना, फंक्शन ऑफ लंग। चौथा एप्लीकेशन है फंक्शनिंग ऑफ लंग, फंक्शन ऑफ लंग्स। आपका जो लंग्स है वो भी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। क्यों? आपके लंग्स में क्या है, आपके लंग्स में ब्लड है और एटमॉस्फेयर से क्या आ रही है, ऑक्सीजन। तो आपका लंग जो है वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज कराता है। अगर आप क्या होता है, डिकम्प्रेशन यूज हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन डाइल्यूट नहीं होगी, आपका लंग्स का प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, कोई भी कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं होगी, क्लियर। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको हैंडी लाके 4 एप्लीकेशन क्लियर हो गए होंगे। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट ब्रीविजेस CO2 जस्ट इवॉल्व जस्ट लाइक ब्रिक्स इफ्रेवेंसेस, क्लियर। इन डीप सी स्कूबा डाइविंग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 2 नंबर 1 नंबर के लिए। बैंड फॉर्मेशन क्या होता है ये क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा, एट हाई एल्टीट्यूड सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन से कम होती है, पार्टिकल्स की साइज हीलियम की छोटी होती है, तो हीलियम आसानी से डिफ्यूज कर जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, बट नाइट्रोजन को डिफ्यूज नहीं होने देता, इसीलिए इसको डाइल्यूएंट कहते हैं, है ना। और एट हाई एल्टीट्यूड पे लो ब्लड ऑक्सीजन कंडीशन होती है, पर्सन प्रॉपर में थिंक नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, उसकी ऑक्सीजन ब्रीदिंग कम हो जाती है, तो उस पर्सन कंडीशन कहते हैं एनोक्सिया। और सबसे लास्ट है, आपका लंग्स जो होता है वो भी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। तो आई होप कि आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर बात करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स की बात देखेंगे, आपको एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ समझ में आ गया होगा। अब आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरी ला। न्यूमेरिकल जो है हेनरी लॉ के, मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद फिर आप उसको लगाएंगे, फिर जो डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे आपके। देखिए क्वेश्चन है, आपके इंडेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, H2S इज अ टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग लाइक स्मेल। कह रहा है H2S जो है वो एक टॉक्सिक गैस है जो कि रॉटन एग लाइक स्मेल। अभी देखिए क्वेश्चन आपका तैयार है, 1 नंबर का नीट का क्वेश्चन पूछता है कि रॉटन एग लाइक स्मेल की वाली गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। कह रहा है H2S एक टॉक्सिक गैस है जो कि रॉटन एग लाइक स्मेल है, उसको हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP पर सॉल्युबिलिटी जो है वो अगर कितनी दी हुई है, द सॉल्युबिलिटी एट STP इज 0.195 एम है ना, एम। चलिए फिर कह रहा है कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है जो कि डिटेल। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, H2S की सॉल्युबिलिटी दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो हमको इसका मतलब समझना है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि यह सुना, ठीक है। अच्छा जरा बताइए, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ आप क्या पढ़े हैं, पी इज इक्वल टू के एच एक्स। तो यहां पे तो भाई आपको के एच पूछ रहा है, पी भी नहीं दिया, एक्स भी नहीं दिया, मोल फ्रैक्शन भी नहीं दिया, तब क्या किया है? अरे यार, एसटीपी बोला है भाई, एसटीपी।
तो एसटीपी पे क्या है, प्रेशर जो होता है या 1 एटीएम या 0.987 बार, ये तो प्रेशर होता है एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब 1 एटीएम प्रेशर या फिर 0.987 बार। तो पी मिल गया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जाए। तो मोल फ्रैक्शन के लिए पहले इसके बारे में आते हैं, इसका मतलब क्या होता है ये देखिए। यहाँ स्मॉल एम लिखा हुआ है, स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी। क्या होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी का मतलब कि 0.195 मोल ऑफ H2S डिजॉल्विंग 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो भैया देखिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S चाहिए, नहीं आएगा अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कैसे मिलेगा जल्दी बताओ भाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। भाई मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया है 0.195 मोल्स। लेकिन H2O का कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स। मोल इज इक्वल टू आप पढ़े हैं मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया है वाटर का 1000 ग्राम और मोलर मास कितना है, मोलर मास सबको पता है 18, इसको डिजॉल्व कर डिवाइड कर दीजिए 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O है ना, किसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आ गया आपका कितना आ गया 55.5। कहाँ से, मैंने नहीं निकाला, क्वेश्चन दिया हुआ भाई। लेकिन अब जिसको जो इसको एक्सपेंड नहीं कर पाएगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस बात को ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में बहुत कठिन नहीं होते, हमें आपको उसको समझने की देरी होती है। तो 0.195 मोल्स ऑफ H2S डिसॉल्व 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकालने के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S पहले से दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 1000 ग्राम यहां से निकाल लेंगे आ गया। ठीक, तो आइए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S दैट इज 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0035। कितनी आएगी 0.0035। ये मोल फ्रैक्शन आप क्या आ गया H2S आ गया। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको H2S मिल गया, प्रेशर आपको दिया है KS, इट इंप्लाइज दैट KS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KS इज इक्वल टू P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन आपके लिए। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया KS इज इक्वल टू हो गया प्रेशर, प्रेशर कितना डियर स्टूडेंट्स एसटीपी पे है तो 0.987 और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना आया है 0.0035। इसको आप सॉल्व करेंगे जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो 282 बार आ रहा है। आपको पता है कि KS की यूनिट वही होती है जो कि प्रेशर की होती है, 282 बार आपका आंसर ये हो गया, द KS वैल्यू इज 282 बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सारा पॉइंट केवल दो जगह पे रुका था। अगर आपको ये नहीं पता है कि एसटीपी पे प्रेशर याद रखिएगा 0.987 बार होता है, दूसरा 0.195 को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ही सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना जाएंगे तो नंबर नहीं पाएंगे, तो ये सारी चीजों पॉइंट को लिखना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो ऐसे ही दो तीन क्वेश्चन और हैं एनसीईआरटी में करेंगे, अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। बट मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको इजी वे में सॉल्व कर पाए, तो करके देखिए, नहीं आएगा तो मैं हूँ आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम, कल इसके न्यूमेरिकल दो चार और लगाएंगे और साथ ही साथ हम कल स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट। कल वैसे संडे है तो संडे स्पेशल क्लासेस में आपको पता है कि क्या पढ़ना है हमको, संडे स्पेशल क्लासेस में कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आई होप कि अगर लाइव सेशन की बात होगी तो मैं आपको मैसेज करूँगा कि लाइव कितने बजे मैं आऊँगा, तो नहीं होगा तो लाइव आके क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लाइव सेशन में देखते हैं, अदरवाइज़ ऑफलाइन सेशन में अगर होगा तो भी मैं कल आपको केमिस्ट्री में वीडियो लाइव स्टार्ट किया था संडे स्पेशल क्लासेस, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पहला वीडियो लेक्चर देख लीजिए जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कल हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे संडे का, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, 10 ईयर्स ऑल्ड से क्वेश्चंस को देखिए क्या क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं, नीट क्वेश्चन लगाइए हैंडी लाके,
क्या हैंडल आपके नीट के क्वेश्चन आईआईटी के क्वेश्चन लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, कोई डाउट आ रहा है तो भी मैसेज करिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन लेवल भी देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, मुझे लगता है कि नीट के सारे क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे, आईआईटी के एक दो क्वेश्चन कवर नहीं हो रहे होंगे बट वो भी कवर हो जाएंगे, प्रसन्न हो गई आप क्वेश्चन पहले पूछिए तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक इट।